एनवाईडीसी पुलिस स्टेशन अंतर्गत खून में लथपथ एक व्यक्ति का शव मिलने से परिसर में सनसनी मच गई है। वह शख्स आपराधिक मामलों में भी लिप्त होने से उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है, इन एंगलों से पुलिस जांच कर रही है। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन अंतर्गत राजू नगर टेकड़ी पर कार्तिक नगर निवासी चंदन शाह उम्र 20 वर्ष का खून में लथपथ शव पाया गया है। उसकी हत्या की जाने की जानकारी सामने आ रही है क्योंकि मृतक युवक के सिर पर जख्म देखे गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक आपराधिक प्रवृत्ति का होने से उस पर कई मामले दर्ज होने की जानकारी है, जिसके तहत उसकी हत्या की जाने की संभावना भी जताई जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त युवक शराब और वाइटनर का नशा करता है और पिछले 2 महीनों से वो बिहार में था। मौत के 2 दिन पहले ही शहर में लौटा था। पुलिस ने जांच के लिए मृतक के शव को मेडिकल अस्पताल भेजा है और आगे की जांच जारी है। कल राजू नगर टेकड़ी पे गजानन नगर का एरिया है, वहाँ पे एक बॉडी मिली, वो आइडेंटिफाई हो गई बॉडी। उसका नाम चंदन शिव पूजन शाह करके था, वो 20 साल का लड़का था। इसके पहले 2-3 महीने वो बिहार में ही रहा। कल परसों पुलिस स्टेशन अद्दी एमआईडीसी में आया था तो खबर मिली कि उसकी बॉडी पड़ी हुई है। वैसे ही पुलिस वहाँ पे जाके कार्रवाई किए तो उसके सर को एक मार था और उसकी आगे की जांच के लिए बॉडी को मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गए हैं। आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। हाँ, उनके नाम से क्राइम चार्ट है। पुलिस स्टेशन एमआईडीसी यहाँ पर चोरी के कुछ गुने उस पर दाखिल है और इसमें उसका जांच चालू था और ये 2 महीने से बिहार में था। उसकी जो भाभी है, उसके भाभी ने अभी तकरार दिया है, वो दारू और उसको जो वाइटनर रहता है और थीनर रहता है वो चीज़ों का वो नशा करके रहता था, उसके भाभी ने बोला है। फिर भी उसको जो मार लगा हुआ है उस पर आगे की जांच के लिए मृतदेह मेडिकल हॉस्पिटल में डाला हुआ है। अभी उस पर मरक का चौकसी शुरू है और पूछताछ चालू है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। NBC न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।